फोर डीज ऑफ टाइम मैनेजमेंट लिखिए, फोर डीज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, फोर डीज ऑफ टाइम मैनेजमेंट है ये। ओके, डू डिफर डेलीगेट एंड डिलीट, ये फोर डीज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अभी स्टूडेंट लाइफ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में डू मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो मोस्ट अर्जेंट है वही काम इस टाइम में आपको करना है। डेलीगेट का मतलब क्या होता है, हु विल टेल? डेलीगेशन मीन्स, चलिए मैं आपकी लैंग्वेज में बताता हूँ। आप पढ़ते हैं डेमोक्रेसी के फीचर्स, जब आप पढ़ते हैं तो यूनिटरी फीचर पढ़ते होंगे और फेडरल एंड यूनिटरी फीचर पढ़ते हैं। तो फेडरल फीचर में क्या होता है, यूनिटरी में क्या होता है? यूनिटरी में सारी पावर सेंटर के पास होती है और फेडरल में क्या होती है, डेलीगेट हो जाती है पावर। डेलीगेशन का मतलब ये होता है अपने काम और भी लोगों को बांटना, डेलीगेट करना। और एज अ लीडर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, डेलीगेशन। डेलीगेट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो अपनी ड्यूटीज दूसरों को। आप समझिए, आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक महीने पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। डू डिफर डेलीगेट एंड डिलीट। आप जो भी नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, ये आपका डिलीट में आप इसको करिए, इसको आप डिलीट में करिए। डिलीट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं, ऐसी बातें जो आपके लिए जरूर ना तो इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, जैसे टीवी देखना, इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक चलाना। मेरा आईटी टीम मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाता है, मैं नहीं चलाता हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, कार ड्राइव करना या ऐसे काम जो आप, जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक, आप ऐसे फेसबुक और ऑन करिए और ऐसे करते चले जाइए। कभी इंडू का वो, उसका एल्गोरिथम ऐसा सेट किया गया है कि जितनी देर तक आप रुकेंगे फेसबुक के, जितने एड्स को आप क्लिक करेंगे उतने ज़्यादा बेनिफिट होगा उनको, और आप महज एक ट्रैफिक बन के उनका रह गए हैं। आप एक क्लिक करते हैं उनको 10 रुपए का बेनिफिट हो जाता है। आप यूट्यूब पे जो देखेंगे वही आपको दिखाएगा, गूगल आप जो देखेंगे, गूगल एल्गोरिथम ऐसा सेट है आपको वही दिखेगा, बट स्टैंडर्ड एज में बच्चों को पता नहीं चलता है। तो आपको क्या करना है, डिलीट करना है इसको, डिक्लटर योर माइंड, माइंड को डिक्लटर रखो, खाली रखो। आप इस बात को ध्यान रखिए कि व्हाट इज योर प्रायोरिटी राइट नाउ, आपके लिए प्रायोरिटी क्या है अभी। आपके लिए प्रायोरिटी ये है कि डिलीट करिए उन बातों को जो आपके लिए ना तो इंपॉर्टेंट है ना तो अर्जेंट है, समझ गए? आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको डिलीट करिए। आपको लगता है घर का कोई ऐसा काम है इस पर, अब इसका मतलब ये नहीं कि शिशिर सर ने आज बोला है घर का कोई काम नहीं करना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बी रिस्पॉन्सिबल, नहीं तो SSB में क्या होता है आपका, SSB में SOR पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। व्हेन आई विल बी आस्किंग क्वेश्चन, टेल मी योर रूटीन फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट नाइट, आप बोलेंगे सर सुबह 5 बजे मैं उठती हूँ, फिर सर मैं वो दौड़ने के लिए रनिंग के लिए जाती हूँ, फिर मैं सर मॉर्निंग टी लेती हूँ, फिर न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ, फिर मैं 4 घंटे पढ़ाई करती हूँ, फिर मैं सर रेस्ट करती हूँ, फिर मैं 3 घंटे की पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, वो बोलेगा वेरी गुड वेरी गुड। फिर शाम को सर 5 बजे मैं डांस करने के लिए जाती हूँ, ओके। फिर सर मैं पढ़ाई करती हूँ 4 घंटे, डिनर करती हूँ, और सर फिर मैं सॉन्ग सुनती हूँ जिससे मेरा माइंड फ्रेश हो जाए और फिर मैं सो जाती हूँ। दिस वे यू आर कमिटिंग अ ब्लंडर, क्या कौन बताएगा? आपने पूरे दिन घर का कोई काम, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमने किस पे कर दिया, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। आपने पूरे दिन सब कुछ कर लिया बट घर का कोई काम नहीं किया, इट मीन्स यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल पर्सन। एंड दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इफेक्टिव ट्रेट ऑफ सोशल एडजस्टमेंट। इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एट होम, हाउ यू कैन बी रिस्पॉन्सिबल एज अ लीडर? क्लियर हो जाएगा? ओके, डिलीट, उन चीजों को डिलीट कर दो। एक महीने का टाइम बचा है, डिलीट कर दो। जो आपका टाइम वेस्ट करने वाले ऐसे लोग हैं जो आपको लग रहा है उनको ना तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना तो आपके लिए अर्जेंट है, उनको डिलीट करिए। चलिए, डेलीगेट। डेलीगेट क्या है, मैंने अभी बताया आपको, कुछ ऐसी चीजें जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बांट देना है। आपको लगता है यार आपका भाई बहन या आपका जो दोस्त है गाँव वाला, वो कुछ ऐसे काम है जो कर लेता है जिसकी वजह से आपका टाइम बच जाएगा, डेलीगेशन। तो वहां पे क्या करना है, ये कौन से ऐसे काम होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। यहां पे क्या है, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। ये अर्जेंट तो है बट इंपॉर्टेंट नहीं है,
जैसे ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे हैं और घर में आपके कुछ ऐसे काम होंगे जो अर्जेंट तो हैं नहीं होंगे, तो चक्की से आटा लाके कौन लाएगा, क्योंकि पापा बाहर पोस्टिंग है, तो दोस्त कर सकता है ना, उसको बोलो यार 2 महीने के लिए कर दे, छोटा भाई है बड़ा भाई है उसको काउंसिल करो, करेगा काम, क्योंकि तुम इस मिशन के लिए लगे हुए हो। तो यहाँ पे क्या है, वो अर्जेंट तो है बट अभी तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो वहाँ पे आना ही है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भूखा रह जाएगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आप नहीं रहेंगे तो भी काम चल जाएगा, उनको क्या करना है, डेलीगेट करना है। और स्टूडेंट लाइफ में क्या है आपके लिए, डेलीगेशन क्या हो सकता है, जैसे कोई ऐसी बातें जहाँ पे आपको लगता है कि यार इंडिया की स्टडीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पे अगर आप किसी और को दे दोगे तो अभी टाइम बीइंग के लिए आपका काम चल जाएगा, बाद में उसको आप कर सकते हैं, तो डेलीगेट करिए। डिफर जैसे मैं अपने एग्जांपल से आपको बताता हूँ, आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट तो है बट बहुत अर्जेंट नहीं है। आपके लिए क्या है वो, जैसे वोकैब्स, रीडिंग न्यूज़पेपर, और ऐसी बात जो आपको लगता है जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो रहे हैं, बेसिक्स आपके किसी सब्जेक्ट में क्लियर नहीं है, आपको लगता है वोकैब्स, कम्युनिकेशन आपका इशू है, आपको ऐसा लगता है कि आप कोई पर्टिकुलर गेम है जो आप नया सीखना चाहते हैं, उसके लिए आप डिफर करिए। वीक में कम से कम 3 डेज का टाइम निकालिए, मिनिमम 3 दिनों का टाइम निकालिए। तो जैसे मुझे आर्टिकल्स लिखने होते हैं न्यूज़पेपर के लिए, आई राइट आर्टिकल फॉर एवरी न्यूज़पेपर, तो जब मुझे न्यूज़पेपर के आर्टिकल लिखने होते हैं या मुझे बुक का कंटेंट लिखना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, डिफर, वीक में 3 दिन मैंने उसके लिए दिए हैं, और 3 दिन ऐसा टाइम जब मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो, आराम से रात में 9 बजे में बैठूंगा, 10 बजे बैठूंगा और आराम से 12 पे ख़त्म करके सो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको डिफर कर रखा है, उस एंड दिस इज़ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अगर आप अभी नहीं करेंगे वीक में, तो वो काम क्या होगा, पेंडिंग छूट जाएगा। तो आपके लिए वोकैब्स, अगर आप वीक में कम से कम 3 दिन नहीं देंगे वोकैब को, तो वोकैब आपका इंप्रूव नहीं होगा। और 40% आपको पता है वोकैब से एनडीए में पूछे जाते हैं क्वेश्चन इंग्लिश, ठीक है। एंड डू में क्या है, इस टाइम में आपके लिए जो भी आपको, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, मॉक टेस्ट हो गया आपका 4-5 आवर्स का, आपका यहाँ के क्लासरूम प्रोग्राम्स हो गए, उसके बाद आपको 5 आवर्स की, कम से कम 5-6 आवर्स की आपको खुद की पढ़ाई करनी है, ये डू है आपके लिए। और डू में आपकी क्या आएगा, फिजिकल वर्कआउट आपका है, फिजिकल एक्सरसाइज डू में आएगा, आपके करना ही करना है, इसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, इसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और जो भी आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ हैं, मतलब आपके इंटरेस्ट और हॉबीज, तो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज। आपके जो अच्छे प्रोडक्टिव हॉबीज हैं उनको बनाइए। व्हेन लाइक आई मीट विद SSB स्टूडेंट, आई आस्क टेल मी योर इंटरेस्ट एंड हॉबी, तो कोई बोलता है सर क्रिकेट खेलना, कोई बोलता है सर लूडो खेलना, या लूडो खेलना कौन सी हॉबी है भाई। ये भी टाइम है जब आप रीडिफाइन कर सकते हैं आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपके हॉबीज क्या हैं। आपसे कोई पूछता है टेल मी योर हॉबीज, टेल मी योर इंटरेस्ट, आप क्या बताएंगे। अब SSB वाले बच्चे बोलते हैं सर क्या सही रहेगा PIQ फॉर्म में लिखना, मैं कौन होता हूँ बताने वाला क्या सही रहेगा। आपने क्या किया है, आप क्या कर रहे हैं वो बताइए। आप खाली टाइम में, व्हेन यू गेट लेजर टाइम, व्हेन यू गेट फ्री टाइम, व्हाट यू प्रेफर टू डू, व्हाट यू वांट टू डू, विश टू डू, आप उसको जो आप रेगुलरली कर रहे हैं वो आपकी हॉबी हो गई। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड हॉबी, हु विल टेल। करना तो चाहते हैं बट आप रेगुलर कर नहीं पाते हैं, तो वो इंटरेस्ट हो गया। ओके, तो जैसे आपने कोई भी बात ऐसी, जैसे न्यूज़पेपर आपने अभी नहीं पढ़ते थे क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे, बट अभी आपका मन कर रहा है कि यार अभी मुझे पढ़ना चाहिए क्योंकि SSB भी आने वाली है, जनरल अवेयरनेस के लिए भी अच्छा है, करंट अफेयर्स से भी 10 क्वेश्चन NDA में आते हैं, तो न्यूज़पेपर तो पढ़ना चाहिए। सुशांत ऑल इंडिया रैंक 136-137 समथिंग का, जब उसका इंटरेस्ट एंड हॉबी का कॉलम मैंने PIQ में देखा, उसने लिखा इंग्लिश कम्युनिकेशन, उसने लिखा जियोपॉलिटिक्स। तो जियोपॉलिटिक्स अगर आप इंटरेस्ट में लिखते हैं, तो डेफिनेटली आई विल आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट इज गोइंग ऑन इन यूक्रेन एंड रशिया, ताइवान में क्या चल रहा है, तो यू आर प्रिपेयर्ड टू गिव योर रिस्पॉन्सेज। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप मीनिंगफुल अपनी बातें बताइए, मीनिंगफुल इंटरेस्ट या हॉबी रखिए। अभी लूडो खेलना, सुडोकू खेलना, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर एकेडमिक प्लस पर्सनैलिटी प्रोफाइल, इस बात को ध्यान रखना है। रीडिफाइन योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज, आप डांस करते हैं, ग्रुप कोई एक्टिविटी आप करते हैं, आप फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, कॉन्टिन्यू विद द सेम फ्लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो डू डिफर, डेलीगेट एंड डिलीट।